हेलो हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर एक कलेक्टिव टॉपिक, कलेक्टिव रीडिंग। क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हो रहा है, क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट में बताइए डिवाइन। ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, अपने हिसाब से लें। ठीक है, और टाइम के अकॉर्डिंग जैसे भी आप, ये रीडिंग आपके सामने आएगी। कोई टाइम फिक्स नहीं है कि इस टाइम तक है ये रीडिंग। जैसे ये रीडिंग अगर आपके सामने पॉपअप होती है या आप देखते हैं, तो आपके लिए इसमें मैसेज होगा। ठीक है, होती कलेक्टिव है, ठीक है, जनरल रीडिंग होती है। चलिए देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। कोर्ट हाउस, ओके। पहला कार्ड हमें मिला है कोर्ट हाउस का, और क्या जो है आप चाहते हैं और क्या होने वाला है। ओके, दो कार्ड आए इसमें से, मैं आज फाइव कार्ड लूंगी, 3 4 और ये 5। चलिए, यहाँ बॉटम में मुझे मिला है फैमिली और कोर्टशिप, फिर अगेन कोर्टशिप। ओके, चलिए, लवर्स, सडन वेल्थ, ऑक्यूपेशन, ओके, पाथवे, कोर्ट हाउस। देखिए, जैसा कि हमारी रीडिंग का टॉपिक था कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या आप चाहते हैं और क्या होने वाला है, मतलब वो कुदरत, वो ऊपर वाला क्या करने वाला है, तो हम देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो तो अपना वही टॉपिक, अपनी लव लाइफ को लेकर चिंतित हैं। चिंतित हैं क्या मतलब है कि किसी डिवाइन कनेक्शन में है सोलमेट या ट्विन फ्लेम, क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड मिला है मुझे। पहला पहला ही कार्ड जो है लवर्स का मिला है, तो नेचुरली है वो लोग काफी, इनकी जो ये जर्नी है वो काफी टफ है एक्चुअली ना। पाथवे, देखिए इनको लग रहा है कि शायद, जैसे होता है ना कि एक इंसान के आगे क्वेश्चन मार्क है और वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अगर सामने वाला, अगर मतलब उनके लिए कुछ जज्बात रखता है या नहीं रखता है, ये रिश्ता चाहता है या नहीं चाहता है। ठीक है, तो उनको समझ नहीं आ रहा कि उस किस रास्ते को चुने, वो मूव ऑन हो जाएं या फिर इसी रिश्ते में रहें, या फिर, ये मैं उनकी बात बता रही हूँ जो यहाँ पे अपनी करंट लाइफ में, अपनी चल रही जिंदगी में, तो किसी प्रेम के रिश्ते को लेकर परेशान है, या परेशान नहीं है तो वहाँ पे मतलब सोच रहे हैं कि क्या क्या मैं चाहता हूँ और क्या होगा, क्या मतलब एक तरह से वो क्वेश्चन मार्क की स्थिति जो है बनी हुई है। ठीक है, कुछ लोग यहाँ पे जो जिनकी प्रेजेंट लाइफ में, उनको लगता है कि कहीं से इकट्ठा धन उनकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, या फिर जहाँ पे उन्होंने थोड़ा बहुत भी इन्वेस्ट किया है वहाँ पे उनको एक तरह से एक इक्वल गिव एंड टेक मिले। ठीक है जी, कुछ लोग यहाँ जिनका कोई कोर्ट केस है या कोर्ट से रिलेटेड, या फिर उनकी जो मैरिड लाइफ है डिस्टर्ब है, तो वो मतलब एक तरह से, तो उनको लग रहा है कि पता नहीं हम लोग साथ रह भी पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या फिर हमें जो है अलग होना पड़ेगा, कोर्ट का मुंह देखना पड़ेगा, इस टाइप से जो आपकी स्थिति है। नेक्स्ट, कुछ लोग यहाँ पे इसलिए हैं कि उनको अपने ऑक्यूपेशन, अपने काम धंधे को लेकर, चाहे वो बिजनेस है चाहे वो नौकरी है, तो वहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे उनको लग रहा है कि चीज़ें जो है एक सुचारू रूप से, एक कंटिन्यूशन में, एक प्रॉपरली जो है वहां पर नहीं चल रही। ठीक है जी, तो कई यहाँ पे 35 11 34 15 6 2 नंबर, 23 5 नंबर, 8 नंबर, 7 नंबर सिग्निफिकेंट है। ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं, या फिर हो सकता है किसी तरह ये डेट जो है आपके लिए एक मायने रखती हो। ठीक है जी, तो ये हमें जो है एक तरह से
कीवर्ड्स मिले हैं जिनसे हमने हमने सोचा है, हमने एक तरह से एक्सप्लोर किया है कि आप लोग जो है एक फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग जिस लाइफ में चल रहे हैं, जो आपकी लाइफ चल रही है, ठीक है, उसमें आपको क्या जो है क्या मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या आप प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं और कैसे उनसे निकलना चाहते हैं, ठीक है, और आपके मनस्थिति क्या है। तो मनस्थिति मैं एक बार और रिपीट कर देती हूँ। कुछ लोग तो अपने प्रेम संबंध को लेकर कि उनको एक क्लैरिटी नहीं मिल रही, जहाँ पे वो चाहते हैं कि उनको क्लैरिटी मिले, और जहाँ पे देखो वो इतना इंटेंस कनेक्शन फील करते हैं, उनको लगता है कि हम दो जिस्म एक जान है। मतलब कहने का मतलब ये कि उनको अपने प्रेमी से मिलकर या जो भी फीमेल है या मेल है जो भी, उनको लगता है कि हम जो है एक तरह से कंप्लीट अपने आप को महसूस करते हैं, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में इतना जो है, जहाँ पे वो चाहते हैं एक प्रॉस्पेरिटी, एक ग्रीनरी, देखो ना इस कार्ड में, मैं आपको दिखा नहीं सकती, ये कार्ड थोड़ा ऐसे है, देखो कितनी ग्रीनरी ग्रीनरी है सारी तरफ, मतलब चाहते हैं कि ये रिश्ता जो है एक तरह से स्टेबिलिटी की तरफ जाए, या फिर सामने वाले के से जैसा वो एक कंपैटिबल सिचुएशन चाहते हैं, चाहे वो कमिटमेंट है, चाहे वो एक मॉरली सपोर्ट है, चाहे वो प्यार है, चाहे वो एक इक्वल गिव एंड टेक है, वो चीज़ उन्हें वहाँ नहीं मिल रही है। तो वहाँ पे एक ऐसी स्थिति, और देखो आप ध्यान से देखो इस कार्ड में, यहाँ पे पिजन भी है, तो मे बी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे हैं जो अपने पार्टनर के मैसेज का, कॉल का, या फिर कॉल मैसेज आया है उस वजह से जो है सोच में डूबे हुए हैं कि उसने ऐसा कहा तो ऐसा क्यों कहा, ऐसा नहीं कहा तो ऐसा क्यों कहा, और कुछ लोग मैसेज और कॉल की वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और कुछ लोग यहाँ लवर्स कनेक्शन में हैं जो ये सोच रहे हैं कि मैं क्यों पहले कॉल करूँ, वो करें, अगर उसको बात करनी है तो वो करें, मैं क्यों करूँ, इस टाइप की सिचुएशन मैं देख रही हूँ करंटली जो लोग अपनी लव लाइफ को लेकर आए हैं, ठीक है। और यहाँ पे सडन वेल्थ का कार्ड मुझे ये दिखा रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली कि उनको चाहिए कि कहीं से इकट्ठा पैसा आ जाए, या इकट्ठा पैसा कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी उन्होंने, उनको एक उम्मीद है यहाँ से हमें पैसा मिल सकता है या आ सकता है, तो वहाँ से उनको कुछ अच्छा जो है पैसा आ जाए उनकी लाइफ में, ठीक है, चाहे ये आपके ऑक्यूपेशन, चाहे काम धंधे, जहाँ पे भी आप बिजनेस या फिर नौकरी करते हैं, वहाँ से आपको कुछ ऐसी उम्मीद है कि वहाँ से आपको, जैसे अब ये दिवाली के दिन चल रहे हैं तो कुछ लोग बोनस के लिए, कोई कुछ कंपनीज देती हैं, कुछ जो है इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे उनको बोनस मिलता है, तो कुछ लोग उस चीज़, उस पैसे का एक वेट करते हुए, एक सोचते हुए, एक उम्मीद लगाए हुए हैं। पाथवे, मतलब पाथवे का कार्ड आने का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे एक रास्ता बना हुआ है जिसमें ग्रीनरी भी है, सामने रोशनी भी नज़र आ रही है, और छोटे छोटे बटरफ्लाइज भी नज़र आ रही हैं। ध्यान से देखिए, यहाँ पे इनको एक रोशनी नज़र आ रही है, ये पाथ है, ग्रीनरी भी है और बटरफ्लाइज भी हैं। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे, मतलब जो मेरे व्यूवर्स हैं वो एक मिरेकल का वेट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि एंजल्स, भगवान, ईश्वर, अल्लाह, जीसस, जो डिवाइन पावर को आप मानते हैं, वो कोई ना कोई ऐसा, कोई ना कोई ऐसा मतलब एक करिश्मा सा कर दे, एक मिरेकल कर दे कि हमारी लाइफ में चीज़ें जो हैं, हमारा जो पाथवे है जिस पे हम चल पड़े हैं या जिस पे हम उम्मीद लगाए बैठे हैं, वहाँ पे कुछ मिरेकल हो जाए, वहाँ पे कुछ हमें एक जजमेंट मिले। अगर हम बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें उसका जो है एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, ठीक है जी। चलिए, कोर्ट हाउस का मैंने बता ही दिया था कि कोई यहाँ या तो केस करने की सोच रहा है, अलग होने की, या फिर केस चल रहा है कोई, तो उसमें से निकलने की, तो उसमें से पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिले, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपकी करंट लाइफ में यही कुछ चल रहा है, ये तो है जो चल रहा है। अब हम देखते हैं भगवान जी, मेरे व्यूअर्स का बताइए, चल रहा भी बताया और चाहते क्या हैं वो भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। चाहते आप यही हैं कि अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में हैं तो वहाँ पे किसी सडन वेल्थ, एकदम से कोई इकट्ठा पैसा आ जाए जिससे आपकी हेल्प हो जाए, जिससे आप कोई नया काम शुरू कर सकें। देखिए स्पेशली
एक सिग्निफिकेंट मैसेज मुझे मिला है कि आप कोई काम स्टार्ट, देखो ये लेडी है यहाँ पे, ये बुनाई कर रही है, मतलब ये बुनाई नहीं सॉरी स्टिचिंग कर रही है, ठीक है। तो आप कुछ ऐसा ऑक्यूपेशन या कोई काम स्टार्ट करने का, या फिर ये स्पेसिफिक होगा सबके लिए नहीं होगा, स्टार्ट करने का सोच रहे हैं जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि ये काफ़ी जो है आपके लिए एक अच्छा साबित होगा, जहाँ पे आप काफ़ी ये काम में आपको बड़ी उम्मीद है, ठीक है जी। चलिए देखते हैं और क्या आता है। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है और वो क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है, बताइए भगवान जी। यहाँ पे कार्ड हमें मिला है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एरीज लियो सजिटेरियस। नेक्स्ट मिला है फाइव ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, ओके। नेक्स्ट हमें मिला है टेन ऑफ पेंटिकल्स, आ गया ना पेंटिकल, यहाँ पहले भी हमें सडन वेल्थ और पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके वाओ, पूरी रीडिंग जो है मैं मजा आ गया। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं आपकी रीडिंग में। क्या चल रहा है अब मैं सोच सकती हूँ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है और आप क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है, साफ साफ दिख रहा है। लेकिन मैं कार्ड्स जब तक मेरा मन नहीं करेगा तब तक मैं लेती रहूँगी। ओके जी, थैंक यू डिवाइन। दो कार्ड और हुए हैं, ये भी हम ले लेते हैं, ओके। चलिए, जैसा कि हमें देखो मैं कार्ड्स दिखा देती हूँ पहले, बॉटम में क्या आया है, टू ऑफ स्वॉर्ड्स। जैसा कि मैंने पहले ही रीडिंग के स्टार्टिंग में बोला था कि एक क्वेश्चन मार्क है आपके आगे कि मैं ये करूं तो ये करूं, ये किया तो ये हुआ, ये उसने कहा तो क्यों कहा, अगर मैसेज नहीं आया तो क्यों नहीं आया, अगर मैसेज आया उसने ये कहा तो इसका क्या मतलब था। इस टाइप से क्वेश्चन मार्क वाली सिचुएशन जो है मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। अगर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो वहाँ पर आप सडन वेल्थ की एक सडन वेल्थ नहीं सॉरी वहाँ पर आप एक उस चीज़ को बेनिफिट का सोचते हुए हैं, सोच रहे हैं कि वहाँ पे आपको बेनिफिट हो, ये काम शुरू करें तो वहाँ हमें बेनिफिट हो, ठीक है। सडन वेल्थ, कुछ लोग यहाँ जैसा कि मैंने बताया कि सडन वेल्थ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ कोर्टशिप है और कुछ जो है उनको लग रहा है कि जो हमने ये रास्ता चुना है वो सही है या नहीं, ठीक है जी। चलिए अब हम आते हैं टैरो के ऊपर, ठीक है। टैरो कार्ड्स हमें क्या बताते हैं, वो कीवर्ड्स वाले कार्ड थे, वो कौन से थे, फिन डीस कीपर्स कार्ड, ठीक है। यहाँ पे देखिए टेन ऑफ पेंटिकल्स, टेन ऑफ पेंटिकल के साथ ही हमें मिला है व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स और सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है। इनको हमने लगाया है नीचे वाली लाइन में, चलिए ठीक है। और सबसे पहले हमारे पास आया क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फिर फाइव ऑफ पेंटिकल्स, फिर फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फिर हर्मिट का कार्ड रिवर्स, ठीक है। चलिए जैसे आए हैं वैसे ही हम इनको लगा देते हैं। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और बॉटम में यहाँ हमें फैमिली हाउस मिला है और यहाँ बॉटम में हमें टू ऑफ स्वॉर्ड मिला है, ओके। चलिए अब हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं हमारी आगे कि क्या जो है आपकी स्थिति है, क्या आप चाहते हैं और क्या आपकी लाइफ में आगे होने वाला है। चलिए देखिए, जैसा कि पहला ही कार्ड हमें लवर्स का मिला था, तो नेचुरली आप एक किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, चाहे वो सोलमेट का कनेक्शन है, जहाँ पे सालों साल बीत गए हैं लेकिन हो सकता है आप अभी भी वेट कर रहे हैं, या आप मूव ऑन हो गए हैं फिर भी आपके अंदर एक उस इंसान को लेके एक वेट, एक जानने की इच्छा, एक क्या वो मेरे लिए क्या सोचता है, ये जो एक आपके मन में अभी भी वो चीज़ें चल रही हैं, ठीक है जी। अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें तो ये कार्ड्स हमें बोलते हैं कि ये इंसान आपको याद कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगाया जाए, आप
को बताया जाए कि आपका जो भी लव पार्टनर है वो आपके लिए किस एनर्जी में है, तो वो आपको बहुत मिस कर रहा है, वो आपको याद कर रहा है, लेकिन चाहता है कि पहले आप कोई, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, सॉरी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था, यहाँ पिजन कबूतर थे, तो मैं पहले ही बोला था कि आप एक वेट कर रहे हैं कि जो आपका जो जो पार्टनर है आपको मैसेज करे, या आप उसको करें, या फिर अगर वो उसने किया है तो उसमें ऐसा क्यों उसने कहा, अगर आप करना चाहते हैं तो आप क्या बात करें, कहीं आप जो है गलत तो नहीं कर रहे, ये पाथवे सही है या नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की सिचुएशन, ये पर्सन आपको याद कर रहा है, ठीक है, आपसे बात करना चाहता है, लेकिन चाहता है कि शुरुआत आप करें, आप कॉल या टेक्स्ट करें, कॉल टेक्स्ट करें, ठीक है जी। देखो द हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, देखो इसमें ये बिल्कुल सिक्स ऑफ कप्स के ऊपर हर्मिट का कार्ड रिवर्स है, इसका मतलब क्या है कि इंसान जो है किसी की याद में चल रहा है, लेकिन दिमाग से वो उसको कह रहा है कि हट, पीछे हट, ऐसे, ठीक है। तो ऐसी आपकी जो भी, अगर मैं आपके पार्टनर की जो देखूं तो वही चीज है और वही आपके मन में है, क्योंकि जितने भी डिवाइन कनेक्शन होते हैं उसमें जो दोनों दोनों जो होते हैं ना, एक दूसरे को मिरर कर रहे होते हैं, तभी हम कहते हैं सेल्फ वर्क करो, ज्यादा उसको चेज ना करो, ज्यादा उसके बारे में सोचो नहीं। तो यहाँ पे क्या है कि एक इंसान आपके दिमाग में, आपकी याद में तो चल रहा है, लेकिन आप दिमाग का यूज करते उसको कह रहे हैं कि हटो, पीछे हटो, नहीं आओ। वो जैसे अब मैं गाना गाऊंगी तो फिर गाने पे कॉपीराइट, कल मुझे इतना दुख हुआ, इतने अच्छे मेरे व्यूज आए, उस पे कॉपीराइट आ गया क्योंकि मैंने गाना गाया था, तो मैं गाना नहीं गाऊंगी, तो जो वो पुरानी यादें हैं जो उसको वो आती हैं, तो उनको वो दिमाग में फोर्सफुली दिमाग का यूज करके, चाहे वो मेरे व्यूवर्स हैं चाहे उनके पार्टनर हैं, पीछे कर रहे हैं कि हटो, क्योंकि हमारे पास और भी बहुत मसले हैं, जैसे जबरदस्ती इंसान अपने मन को दिल से हटा के दिमाग की तरफ लेके जाता है, तो वो जो है बहुत ही दिमाग का जो एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है, ठीक है जी। एक इंसान रिश्ते को छोड़ के गया है और दूसरे वाला अपने आप को लाचार महसूस कर रहा है, अगर हम लव लाइफ, अभी हम लव लाइफ क्योंकि यहाँ लवर्स का कार्ड है तो उसके बारे में बता रही हूँ मैं। एक इंसान गया है अगर रिश्ता छोड़ के, या उसको लग रहा है एक को कि दूसरा जो है उसकी लाइफ से चला गया है, अब उसके मन में क्वेश्चन हो रहा है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी या नहीं होगी, या वाकई ये इंसान जो है बिल्कुल उसकी लाइफ से चला गया है, तो इस तरह का मेंटली कॉन्फ्लिक्ट और सोचें और दिमाग में परेशानी, वो चीज़ चल रही है। फिर आपको ये लग रहा है कि आपका पार्टनर कोई दुनिया का सबसे खूबसूरत इंसान तो है नहीं, ये आपके दिमाग की बातें हैं, दिल की, ठीक है, फिर भी ये आपको इतना अट्रैक्टिव, आप इसके लिए ही इतना पैशन, और इसके लिए, इसके ना होने पे ही आप खुद को अकेला, ऐसा क्यों होता है, आपकी ये फैमिली में नहीं है लेकिन फिर भी आप इसको, हमें लगता है, या मतलब जो आपके जो सॉरी व्यूअर्स है, जो आपका पार्टनर है उसको लगता है कि आप उसकी फैमिली ही है, ठीक है। यहाँ नाइन ऑफ पेंटिकल्स हमें मिला है, देखिए नाइन ऑफ पेंटिकल्स का मतलब यहाँ पे क्या है, एक अबंडेंस, एक भरपूरता, एक प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लगता है कि जब आप, या आपको लगता है कि जब वो आपके साथ होता है, आपको भी यही लगता है, उसको भी यही लगता है कि जब आप दोनों साथ होते हैं तो आपको एक अंदर ही अंदर एक कंप्लीशन, एक प्लेजर, एक आपको आपका पार्टनर प्लीज करता है, मतलब कहने का मतलब कि वो आप खुश होते हैं, ठीक है। तो जो भी, अगर आप फोर्सफुली भी अगर अपने पार्टनर को या अपने उसकी सोच को दिल से निकालना चाहे तो नहीं निकाल पाते। देखिए अगर हम इसका नेक्स्ट देखें तो पहले तो ही ये आपका ही वेट करेगा कि आप ही कोई कॉल टेक्स्ट कर दें, फिर ये खुद आपको कोई कॉल या टेक्स्ट या इसकी कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है, ठीक है जी। ओके, अब आप देखो जो लोग को लग रहा है कि उनका पार्टनर उनको अच्छा रिस्पांस नहीं दे रहा, लेकिन वो दिमाग से फोर्सफुली उसको पीछे हटा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको एक उम्मीद है कि एक न्यू बिगनिंग होगी, तो बिल्कुल आपकी उम्मीद सही है, यहाँ एक न्यू बिगनिंग मुझे नज़र आ रही है, क्योंकि देखो वक्त का पासा जो है ना पलटता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि नहीं तो ये तीनों कार्ड इकट्ठे ना आते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स, तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन की एनर्जी बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ठीक है जी। पेंटिकल के तीन तीन कार्ड आए हैं, तो वॉन्ड्स के भी हैं, वॉन्ड्स भी है सिग्निफिकेंट
तीन कार्ड वॉन्ड्स के हैं, एरीज लियो सजिटेरियस, कप का एक ही है कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस, ठीक है, स्वॉर्ड का कोई नहीं है, स्वॉर्ड का कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दिमाग की लड़ाई, मैंने बोला ना कि कुछ तो यहाँ कोर्ट हाउस, कुछ तो कोर्ट से रिलेटेड है, कोई ऑक्यूपेशन, कोई पैसे से, कोई प्यार से, स्वॉर्ड की यहाँ कोई वो नहीं है। मतलब कहने का मतलब थॉट में कुछ नहीं चल रहा, सब कुछ एक तरह से एक पैशन बना हुआ, एक जुनून बना हुआ है, इंसान फोर्सफुली उसको अपने से अलग कर रहा है कि मुझे ये नहीं सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है या मुझे उसको नहीं याद करना है। मतलब एक तरह से वो वाली चीज़ें, दिमाग की उधेड़बुन ज़्यादा नज़र आ रही है आपकी इस, अगर मैं लव लाइफ को देखूँ, ठीक है जी। अगर देखो मैं आपकी करियर लाइफ के लिए देखूँ तो यहाँ मैं क्या देख रही हूँ कि आपको या तो कोई सडन लॉस हुआ है अभी, या फिर आप अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल जो अगर आपको कोई साउंड कर दे तो आपको जिंदगी जो है आपकी बेटर हो जाएगी। क्योंकि देखो ना, फाइव ऑफ पेंटिकल्स के नीचे टेन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल, फिर व्हील ऑफ फॉर्च्यून। एक इंसान जिसने धोखा खाया है, मे भी हो सकता है जहां पे आपका काम धंधा हो वहां पे किसी ने केस कर दिया हो, बड़ा सिग्निफिकेंट है ये भी मैसेज, ये सबके लिए नहीं है तो, या फिर कोई ऐसा केस हो जो अगर आप जीत जाएंगे तो वहां पे आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा या एलमनी या कुछ इस टाइप का, जिससे आपको लगता है कि आपका आपका जो ऑक्यूपेशन है या आपका जो बिजनेस है, काम धंधा है, जो सफर कर रहा है वो वहां से ठीक हो जाएगा। इस टाइप की एनर्जी मुझे, देखो जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं बोल ही जा रही हूँ, ठीक है। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स और व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ये बताता है यहाँ पे कि अगर आप अपने बिजनेस, अपने काम, अपने नौकरी को लेकर ये रीडिंग देख रहे हैं तो वहाँ पे सिचुएशन जो है बेटर होने वाली है, क्योंकि हमें व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स मिला है। मतलब कि आप जो है, आपको कहा जा रहा है कि आप एक लैक ऑफ, एक लेस वाली जो एनर्जी है उससे बाहर निकलिए, क्योंकि आपकी लाइफ में ना, क्योंकि आप हो नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में। नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या होता है? नाइन ऑफ पेंटिकल का मतलब क्या है? गुड लक। तो आप हो तो लकी, लेकिन उसी के ऊपर ये दो कार्ड आए, फाइव ऑफ पेंटिकल और फाइव ऑफ वॉन्ड्स वाले, कि बहुत ज्यादा मानसिक द्वंद्व और हमेशा लॉस की एनर्जी, ठीक है। तो एक इंसान जब नाइन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में होते हुए लॉस की एनर्जी में है तो उसको गेन कहाँ से हो जाएगा? कहते नहीं, हम जो सोचते हैं वही आगे बनता है हमारा भाग्य। तो यहाँ सोच जो है लैक की है, लैक का मतलब होता है कमी, कमी की सोच है। तो कमी की सोच है तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से मिलेगी, या एक हैप्पीली जो चीज़ें हैं फैमिली में, चाहे ऑफिस में, चाहे कहीं भी, वहाँ एक खुशी आपको कैसे हासिल होगी, एक अबंडेंस कैसे हासिल होगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो आप कई चीज़ों में तो अच्छा है, आप अपना, आप मतलब ज़्यादा दिमाग से सोचना नहीं, क्योंकि दिमाग जो है टेंशन देता है। तो अगर आप, ये रिवर्स में हर्मिट का कार्ड आया, मतलब एक इंसान जो है अपने अकेलेपन को दूर करना चाहता है, ठीक है। मे बी उसको फील होता है कि ये पार्टनर के होने से, या फिर इस, अगर मेरे पास इकट्ठा सडन पैसा आ जाए, ये होने से मेरी जो सिचुएशन है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर आप ऐसा कुछ वेट कर रहे हैं यहाँ पे फाइनेंस को लेकर, सडन वेल्थ, तो मे बी आपका जो ये ड्रीम है या जो आपकी ये विश है वो पूरी होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, या फिर पूरी होने में कुछ ही समय बाकी है, ठीक है। ओके, देखो अगर आप लोग अभी भी कई मुझे यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है कि उनको लगता है कि ये जो सफरिंग्स हैं, ये जो, चाहे वो फाइनेंशियली है चाहे वो इमोशनली है, ये कब खत्म होंगी, तो आपको कहा जा रहा है कि आपने कुछ ऐसे कर्मास किए थे तो अकॉर्डिंग टू कर्मा तुम्हें, आपको वो चीज़ झेलनी ही थी, वो चीज़ आपको सफ़र करनी ही थी, चाहे आपकी कोई गलती थी, क्योंकि आपके दिमाग में चलता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया जो मेरे साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग यहाँ मैं देख रही हूँ कि उनको लग रहा है कि उनकी मैरिज में बहुत डिले हो रहा है, तो मे बी हो सकता है एक महीने में ही आपको कोई न्यूज़ आ जाए इससे रिलेटेड कि आपकी शादी होने वाली है या सेटल हो गई है, या जिससे आप चाहते हैं उससे जो है एक महीने के अंदर आप लोगों की शादी होती मुझे नज़र आ रही है। देखिए ये सिग्निफिकेंट होगा, सॉरी
ये स्पेसिफिक होगा, ये मैसेज कुछ लोगों के लिए होगा, लेकिन है, मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है आपके जो लव वन है उनसे आपकी मैरिज हो जाए, यहाँ पे मुझे ये मैसेज मिल रहा है। ये आपका कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ये इंसान आपको मतलब एक तरह से उसको ऐसे जैसे अपॉलोजी नहीं देते, इस टाइप से वो आपको कोई अपॉलोजी या कोई जैसा उसने बैड में कोई बिहेव किया हो या वो अब आपको मनाना चाहता है, इस टाइप का मैं यहाँ देख रही हूँ, ठीक है। तो कोर्टशिप का जो लोग कोर्ट केस के लिए, अगर यहाँ पे जिनकी लाइफ में कोई ऐसा केस चल रहा है, चाहे वो उनकी नौकरी पे ही चल रहा है, चाहे उनकी वैसे ही लाइफ में चल रहा है, तो वहाँ पे आपके विनर होंगे, क्योंकि विनर होने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि ना देखो, पेज ऑफ वॉन्ट्स गुड न्यूज़, नाइन ऑफ पेंटिकल, टेन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, सारे अच्छे अच्छे कार्ड। बस आपको मैंने बोला ना, जैसे आप एक क्या होता है, इंसान चाहता तो अच्छा है लेकिन सोच बुरा रहा होता है, तो वो सोच को निकालना है आपको। जो ये आप फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में हैं या फिर फाइव ऑफ वॉन्ट्स, बहुत ज़्यादा मेंटली कॉन्फ्लिक्ट या फिर बहुत ज़्यादा लॉस को सोचना, तो ये निकाल दीजिए, ठीक है। तो चीज़ें अपने आप आपकी लाइफ में एक तरह से एलिवेट होती जाएंगी, अच्छी होती जाएंगी, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया, टेन ऑफ पेंटिकल आया है, नाइन ऑफ पेंटिकल आया। मतलब जब आप खुद को ये सोच लेंगे कि यू आर लकी, यू आर अबंडेंट, मैनिफेस्ट करेंगे ऐसे, यू आर वेल्दी, यू आर हेल्दी, मतलब एक अबंडेंट माइंड सेट में रहेंगे, तो चीज़ें अपने आप ही आपकी लाइफ में जो है, चाहे वो आपकी फैमिली में है, चाहे आप किसी कोई आपकी महबूबा है या महबूब है उसके लिए बहुत सोचते हैं, तो वहाँ पे भी चीज़ें जो है बेहतर हो जाएंगी, वहाँ पे भी आप जो उससे रिलेटेड जो भी चाहते हैं वो आपको मिल सकता है। क्योंकि यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल के साथ जो है व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, अगर आप उससे शादी बनाना चाहते हैं, या मान लो आप चाहते हैं कि वहाँ पे आपको कोई स्टेबिलिटी मिले इस कनेक्शन को, या एक क्लियरेंस मिले, तो वो चीज़ें तभी हो पाएंगी जब आप पॉजिटिव होंगे, ठीक है। आप देखो, हर्मिट के कार्ड का रिवर्स आने का मतलब, और सिक्स ऑफ कप्स के ऊपर आना, इसका मतलब ये है कि कोई इंसान किसी के जहन में जो है 24 घंटे चल रहा है, तो वो फोर्सफुली उसको निकालना चाहता है, अपने दिमाग से सोचना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको वो चीज़ जो है भूलती नहीं है, ठीक है। उसके दिमाग में घूमती रहती है, घूमती रहती, घूमती रहती है, चाहे वो कोई फिजिकली लॉस है, चाहे वो कोई, यहाँ पे मैं ये भी देख रही हूँ इन दिनों ना, मेरे व्यूअर्स का हेल्थ भी सफ़र कर रही है, ठीक है। चाहे वो उनका कोई फिजिकल लॉस है, चाहे वो उनका कोई मेंटली लॉस है, फिर भी मूड कहते हैं ना, वो उनकी सोच वहीं पे आ जाती है लॉस में। तो अब ज्यादा आप लॉस में मत सोचे अपने आप को, वक्त जो है बदलने वाला है, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, एक हेल्दी जो एक गुड लक आपका जो है वेट कर रहा है, ठीक है। जिस चीज को लेके आप पैशन रखते हैं, ठीक है, चाहे वो आपकी नौकरी है, चाहे काम धंधा है, चाहे कोई इंसान है, वहां पे आपको एक प्रॉस्पेरिटी मिलती नज़र आ रही है, या तो वहाँ शादी हो जाएगी या फिर वो रिश्ता काफ़ी अच्छा हो जाएगा कंपैरेटिवली पहले से, ठीक है जी। तो यही मैं आपके कार्ड्स में देख रही हूँ और मैं देखने की कोशिश करती हूँ। देखो, यहाँ बॉटम में जो टू ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है ना, तो ये हमें ये बताता है कि मे बी आप किसी ऐसे कनेक्शन में हैं, या कनेक्शन में नहीं है तो नौकरी में है, जहाँ पे आप, एक मन आपका कहता है मुझे छोड़ देना है नौकरी, एक मन कहता है कि नहीं, मुझे अभी इसी को ही करते रहना है, अभी वक्त जो है सही नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल वक्त अभी सही नहीं है, अभी थोड़ा सा और आप, वक्त सही होने वाला है बस, तभी ये जो टू ऑफ स्वॉर्ड की एक जगलिंग, एक इनडिसाइसिवपन आपके अंदर आया हुआ है ना, वो इसीलिए आया हुआ है। प्लीज़ डिवाइन मुझे गाइड कीजिए आगे आने वाला फ्यूचर में मेरे व्यूअर्स का कैसा होने वाला है, रिसेंट फ्यूचर में, ओके। देखिए, जैसे ही हमें यहाँ टेन ऑफ पेंटिकल, व्हील ऑफ फॉर्च्यून और नाइन ऑफ पेंटिकल, तीनों ही गुड लक के कार्ड हमें मिले हैं, और नेक्स्ट कार्ड हमें मिला है एम्परर का, तो आप बहुत ज़्यादा अपनी अथॉरिटी में आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर हम आपका रीसेंट फ्यूचर देखें, तो चाहे आपकी लव लाइफ है, चाहे आपकी करियर लाइफ है, आप अथॉरिटी में आते नज़र आ रहे हैं। अथॉरिटी का मतलब क्या है? एम्परर, एम्परर कब बनता है इंसान? जब वो जिंदगी के
एक तरह से एक्सपीरियंसेस गेन कर लेता है। एक्सपीरियंसेस गेन के इंसान वाइज बन जाता है, वाइज बन जाता है तो वो अपने फैसले इस तरह से करता है कि वहाँ लॉस नहीं होता। ठीक है जी, तो आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, या फिर आप मतलब इस टाइप की आपके ऊपर इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि आप इस एम्परर एनर्जी में आने वाले हैं। एम्परर एनर्जी क्या होती है? अथॉरिटी। जिस काम को भी करना है बड़ा सोच समझ के करना है, जिस काम को भी करना है एक पेज वाली एनर्जी में नहीं करना है, एक मतलब एक ऐसा काम नहीं करना है कि बाद में लॉस हो या बाद में सोचना पड़े। तो ये कार्ड हमें ये भी बताता है, एम्परर का कार्ड हमें ये भी बताता है कि एक इंसान अपनी अथॉरिटी में कब आता है इंसान, जब किसी चीज़ का मालिक बनता है, चाहे वो उनकी लाइफ है, चाहे उनकी लव लाइफ है, चाहे उनकी करियर लाइफ है, ठीक है, चाहे वो किसी से शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ की भी अथॉरिटी कब मिलेगी उस इंसान की भी, जब उससे मैरिज हो जाएगी, उससे स्टेबिलिटी मिल जाएगी। तो यहाँ एम्परर का कार्ड आपके आने वाले जो रीसेंट फ्यूचर के बारे में ये बताता है कि आप लोग अपनी अथॉरिटी में आने वाले हैं। कोई डिसीजन है जो आपने लिया है, चाहे वो आप अपने बिजनेस को लेके, चाहे लव लाइफ को लेके, जहाँ पे आपको एक ऐसा फील टाइम आने वाला है जहाँ पे आपको लगेगा कि अब आप सेटल डाउन हो चुके हैं। ठीक है जी, ओके। और क्या बताता है एम्परर का कार्ड? देखिए एम्परर का कार्ड और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है जी, और अगला आ गया किंग ऑफ सॉर्ड। ओके, फिर यहाँ पे वही वाली एनर्जी के दो इंसान आपकी लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है, जिसपे आप इनडिसाइसिव हैं। दो तरह के इंसान, एक तो अथॉरिटिव है, एक अथॉरिटिव भी है और बड़ा किंग ऑफ सॉर्ड भी है, बड़ा जो ब्लंट स्पोकन भी है, या हो सकता है एक आपका ट्विन हो, एक आपका कार्मिक पार्टनर हो, इस टाइप से मुझे नज़र आ रहा है। और उनमें आप जो है इनडिसाइसिव हो रखे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं कि वो दो लोगों में चुनना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ टू और सॉर्ड मिला है, मतलब जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी यहाँ आ चुका है, तो यहाँ किंग ऑफ सॉर्ड भी मिल गया। मतलब कहने का मतलब क्या है कि इंसान सोच रहा है कि मुझे दोनों में से किसको जो है चुनना है, या फिर किसके साथ वो एक खुशी महसूस करता है। देखिए लवर्स का कार्ड में मिला है, मतलब एक तो उसकी लाइफ में है, एक के साथ वो लवर्स वाला कनेक्शन जो है फील करता है। तो वहाँ पे भी मैं देख रही हूँ, अगर वहाँ नो कांटेक्ट है, क्योंकि यहाँ फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, तो वहाँ पे भी एक जो नो कांटेक्ट और एक अकेलापन छाया हुआ है, तो वहाँ पे भी एक मैं जो एक न्यू बिगिनिंग देख रही हूँ। ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे दिखा रहा है, अगर आप दो इंसानों में इनडिसाइसिव हैं, या आपको लगता है कि एक आपका कार्मिक है, एक आपका ट्विन फ्लेम या सोलमेट है, उससे आप ज़्यादा लगाव महसूस करती हैं कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे एक डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगी, ठीक है, पाएंगी या पाएंगे, देखो आप अपने हिसाब से लेना। अगर आप किसी इंसान को लेके सोच रहे हैं तो वो इंसान आपको मिस कर रहा है, मिसिंग एनर्जी है यहाँ पे, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, और ये भी ज़्यादा है कि फोर्सफुली जो है दिमाग के घोड़े दौड़ा के उस इंसान को दूर किया जा रहा है कि तुम मेरी सोचों में मत आओ, ठीक है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो है किसी और के साथ हूँ या कुछ भी है, जो भी, तो ऐसा जो है ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ, ठीक है, कि आप फोर्सफुली किसी चीज़ को अपने से अलग करना चाहते हैं, चाहे वो किसी की याद है, चाहे वो किसी की नीड है, चाहे वो किसी की याद है, चाहे कुछ भी है, ठीक है जी, ओके। और कुछ लोग यहाँ मैं देख रही हूँ, देखो मुझे मैसेज मिली जा रहे हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे होता नहीं एक डे ड्रीमिंग करना, यहाँ डे ड्रीमिंग का कार्ड नहीं आया, लेकिन उनको लगता है, तो ऐसे लोगों को मतलब उनको लगता है कि वो लेस में सेटल नहीं हो सकते, मतलब उनको उनको हर चीज़ ज़्यादा चाहिए, हर चीज़ ज़्यादा चाहिए। तो कई बार इंसान को कम में भी सेटल होना पड़ता है, तो कहते हैं ना बहुत ज़्यादा अगर वही कर क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पैरालाइज बहुत ज़्यादा एनालाइज करेंगे तो पैरालाइज हो जाएगा, ठीक है, तो चीज़ों को बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा एनालाइज भी करेंगे तो क्या होगा, आपके अकॉर्डिंग थोड़ा होंगी। तो कुछ चीज़ों को सोचिए और कुछ चीज़ों को भगवान पे छोड़ दें, और बहुत ज़्यादा खुद को भी कॉम्प्लिकेटेड ना करें, सामने वाले को भी नहीं करें। और अगर आप देखो, मैं एक वैसे अब एडवाइस पे आ जाते हैं, देखो
एक कोई इंसान होता है आपकी लाइफ में आता है, कहते हैं ना कोई भाव से आता है कोई अभाव से आता है, चाहे वो कैसे भी आया आपकी लाइफ में, कोई ना कोई माने है ना उसका, उसका आपकी जिंदगी में आने का। अब आप देखिए कई बार क्या होता है, आप सामने वाले को अपने ये दिखाना चाहते हैं कि आप बहुत बेहतर हैं या आपकी सोच बहुत अच्छी है, उस जो है जस्टिफिकेशन में आपकी लड़ाई हो जाती है, आपके थॉट्स टकरा जाते हैं, चाहे वो आपकी मैरिड लाइफ है, चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपका ऑक्यूपेशन है वहाँ पे। तो दूसरों को समझाने की कोशिश मत कीजिए कि मैं ठीक हूँ या तुम गलत हो, उसी में ही चीज़ें खराब हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए गाइडेंस है कि अपने आप को समझा, क्योंकि चीज़ें वक्त टाइम पे छोड़ दें, क्योंकि वक्त आने पे वक्त खुद ही सब कुछ सही कर देता है। अगर आप अच्छे हैं तो आपको कोई सर्टिफिकेट यहाँ चिपका के जाने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत अच्छी हूँ, क्योंकि वो सामने वाले को ऑटोमेटिकली समझ आ जाना है इसमें ये खूबी है, इसमें ये खूबी है। तो वो आप बस ये है कि आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड को सही रखिए, क्योंकि मान लो ना आपको सामने से काम मिल ही गया, क्या आपको वो रिस्पॉन्सिव मिल ही गई, तो उस टाइम आप अपनी प्रेजेंस ऑफ माइंड ही खो देंगे, या फिर इतने सोच में, इतने सोच सोच के कहीं डिप्रेशन ही ना खुद को कर लेना। ठीक है, तो मैं आपको ये कहना चाह रही हूं कि चीजें जो है, कुछ चीजें आप अपने दिमाग से सुलटाइए और कुछ को भगवान पे छोड़ दीजिए। ठीक है, चाहे वो किसी इंसान को लेके है, चाहे वो किसी सिचुएशन को लेके। अब मान लो जैसे यहाँ सडन वेल्थ आया है, तो मान लो एकदम सडन वेल्थ भी आ गई, आप सोच रहे सडन वेल्थ आ जाए, कहीं से कोई मिरेकल हो जाए, कहीं से ये आ जाए, किसी से वो आ जाए, कहीं से ये हो जाए वो हो जाए, लेकिन अगर वो हो भी गया तो आपकी स्थिति भी तो सही होनी चाहिए। आप उस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए भी तो एक स्टेबल खड़े होने चाहिए। उस टाइम तक आप सोच सोच के खुद को ही कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई अपने आप को ही एक तरह से आप वो करते रहते हो, अपने आप को ही नश्तर चुभोते रहते हो, अपने आप को ही एक तरह से सजा देते रहते हो सोच सोच के, या फिर अपने दिमाग में उस चीज को बार बार दोहरा के। तो नहीं, उस चीजों से निकलिए। उस चीजों से निकलने का कारण देखो, अपने आप को बिजी कर लो, जैसे थोड़ा बहुत वॉक करो, घर में काम है छोटे मोटे उनको निकाल के करना शुरू कर दो, अपने आप को बिजी कर लो। तो आप जब अपने आप को बिजी कर लेंगे तो चीज़ें जो हैं चाहे बुरी भी हैं लेकिन उनको आप बार बार सोचेंगे नहीं, आपको अपनी सोच में नहीं लाएंगे, और जब चीज़ों को सोच में नहीं लाएंगे तो चीज़ें अपने आप जो है वक्त आने पर सही तो हो ही जानी है, चाहे वो आपका करियर है चाहे लव लाइफ है। ठीक है जी, अब यहाँ पे द एम्परर द किंग ऑफ स्वॉर्ड आके मुझे ये बता रहा है कि यहाँ पे जो भी लोग हैं वो 35 या 30 से अबव ही मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, वाइज पर्सन मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पे, कोई ऐसे बचकाने या बच्चे लोग नहीं मुझे यहाँ नजर आ रहे, जो भी व्यूअर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो एम्परर की एनर्जी है, किंग की एनर्जी है, किंग क्वीन की एनर्जी है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं अपनी लाइफ में, और हो सकता है मेरे व्यूअर्स जो है उन्होंने किसी को कुछ कहा है जिससे उनको लग रहा है कि उन्होंने कुछ गलत कहा है किसी को, ठीक है, और उस चीज का बड़ा पश्चाताप कर रहे हैं कि मैंने गलत कहा है, मैंने उसको ये कह दिया। तो ये सब कहें सोचने की, अब जो हो गया, कहते ना कमान से तीर निकल गया बाद में नहीं सोचना, और अगर अगर हम पहले ही सोच लेते, मतलब पहले ही ना जस्टिफाई करते तो ये लड़ाई ना होती, ये नो कॉन्टैक्ट ना होता। ठीक है, और जिसको आप चाहते हो कि आपकी लाइफ इसके बिना नहीं चल सकती, उस इंसान के बिना, तो उसको ज्यादा जलीकट्टी सुनाने की भी जरूरत नहीं है, उसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, उसको जो है अपने आप को सही साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसके बिना भी नहीं फिर रह पाएंगे। ठीक है ना, ओके, ऑल द बेस्ट। ये थी आप लोगों की रीडिंग और कुछ गाइडेंस, तो क्या चल रहा है आपकी लाइफ में और आप क्या चाहते हैं और क्या होने वाला है। होने वाला यही है कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून आ गया, तो इसका मतलब बेटर ही होने वाला है। अगर आप प्यार में या नो कॉन्टैक्ट में है तो वहाँ न्यू बिगिनिंग होने वाली है, अगर आप सडन वेल्थ चाहते हैं तो वो भी होने वाला है, लेकिन आप अपने आप को इस नेगेटिविटी से निकालें, लैक ऑफ की एनर्जी से, कमी की एनर्जी से बाहर निकालें, और अगर फोर्सफुली आप किसी चीज़ को, आपको बार बार आपके दिमाग में आती है, तो वो इंसान भी आपको मिसिंग एनर्जी में, इसीलिए आप उस आपकी सोच में भी वो इंसान चल रहा है, इस चीज़ का ध्यान रखें। और अगर हम देखें कि आपका आने वाला फ्यूचर, तो यहाँ पर आप एक अथॉरिटी में आने वाले लग रहे हैं मुझे, मतलब अगर आप पहले बहुत ज़्यादा बोलते थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सुलझाते थे, तो आप अपने आप को एक तरह से समझा के चेंज कर रहे हैं। ठीक है,
कि कैसे मैं जो है जो चीज़ें मैंने बोल के या कुछ गलतियों से काम खराब करें उनको उनको आप सही करके ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि तभी एम्परर की एनर्जी आई है, क्योंकि लक तो ऑलरेडी आपके साथ है, तभी यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून, टेन ऑफ पेंटिकल्स और नाइन ऑफ पेंटिकल्स आया है, ठीक है ना। तो आप अब जो है अगर रिसेंट आपका फ्यूचर देखा जाए तो आप अपनी अथॉरिटी में आ रहे हैं और वहां पे जो है चीजें जो है आपको बेहतर होती नजर आ रही हैं। ज्यादा टाइम नहीं, अगर आप टाइम देखें कि जो भी आप जिस सिचुएशन को लेके भी यहां बैठे हैं कि वो चीज कब ठीक हो जाएगी, तो ज्यादा टाइम मुझे नहीं, एक महीना, ज्यादा से ज्यादा एक दिन भी हो सकता है, एक हफ्ता भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा एक महीना मुझे नजर आ रहा है। ठीक है जी, ओके व्यूअर्स, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।